me अबाउट योर सेल्फ, ये क्वेश्चन बेसिकली अगर आपको ऐसे नॉर्मली पूछा जाए तो बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने बारे में बताओ, तो हम अच्छे से बताते हैं कि हम कौन है, क्या करते हैं। लेकिन यही क्वेश्चन अगर इंटरव्यू जैसी इंटेंस सीरियस सिचुएशन में पूछा जाए तो ये आपको टेंशन में डाल देता है। तो ऐसा क्यों होता है? सो वो माहौल ही ऐसा होता है, पूरा प्रेशर वाला माहौल होता है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली। सो यहाँ पे मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसी टिप देने जा रहा हूँ जिससे आप अपना जो इंट्रोडक्शन है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कर पाओगे। सो मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं वेल अकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये जो क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ और डिस्क्राइब अबाउट योरसेल्फ, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेसिकली। और हमें पता भी है कि हम इंटरव्यू देने जाएंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाने वाला है ना। अगर आपको पता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, सबसे पहले यही पूछेंगे और 100%, अभी समझो कि कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन आने वाला है, 100% हमें पता है, तो हम उसकी कितनी अच्छे से तैयारी करते हैं। सेम वे ये क्वेश्चन भी हर बार, हर सारे इंटरव्यू जहां पे भी आप दोगे तो वहां पे ये क्वेश्चन आएगा ही। सो हमें पता है ये क्वेश्चन आने वाला है, तो उसकी तैयारी आपको बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। और अगर आप ये क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर देते हो, अगर आपकी पहली इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन अगर अच्छी रहती है, तो आपका इंटरव्यू, देर आर मोर चांसेस कि आपका इंटरव्यू बहुत सक्सेसफुल रहेगा। ओके, और यहाँ पे एक आपने कोटेशन तो सुना ही होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन, सो ये ज्यादा मैटर करता है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि यहाँ पे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन के रिलेटेड क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सो ये देखेंगे। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि ये क्वेश्चन पूछा क्यों जाता है, हमें कंपनी वाले हम रिज्यूम दे देते हैं ना, फिर क्यों हमें ये क्वेश्चन पूछते हैं? तो वो आपकी पर्सनल लाइफ जानना चाहता है? नहीं। आपसे दोस्ती करना चाहता है? नहीं। आपकी इंफॉर्मेशन निकालना चाहता है? नहीं। वो ये जानना चाहता है कि आप किस तरह से खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो खुद को रिप्रेजेंट आपको अच्छे से करना है। और इस वीडियो में मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, लेकिन वो एग्जांपल की कॉपी मत मारना, आप अपना इंट्रोडक्शन खुद बनाओगे ज्यादा बेटर रहेगा, और खुद बनाओगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि आप खुद को सबसे ज्यादा जानते हो, दूसरा कोई आपको नहीं जानता है, मैं आपको नहीं जानता हूं, आप खुद को सबसे ज्यादा जानते हो, तो ये ज्यादा मैटर करता है। आप खुद अपना इंट्रोडक्शन बनाना। इस वीडियो में मैं टिप्स देने वाला हूं कि आप अपना खुद का इंट्रोडक्शन कैसे बनाए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन के आंसर में सबसे पहले हमें बताना स्टार्ट किस तरह से करना है। सो यहाँ पे सबसे पहले शुरू करते हैं, तो यहाँ पे आपको जो स्क्रिप्ट या जो भी आप बोलना चाहते हो उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रेडी करना है, लाइक पॉइंट टू पॉइंट रेडी करना है कि ये पॉइंट को पहले, उसके बाद ये पॉइंट, उसके बाद ये पॉइंट। नाउ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई चीज याद करके आ रहे हो, मेमोराइज करके आ रहे हो, वो बोल रहे हो। आपको इस तरह से रेडी करना है, पॉइंट वाइज एक पॉइंट बना लिया, एक पॉइंट याद रख लिया, एक सीरीज ऑफ पॉइंट याद रख लो, और उस सीरीज के हिसाब से चलो कि पहले ये पॉइंट डिस्कस करना है, जैसे पहले नाम बता देना है, फिर मैं कहां रहता हूं, फिर मैंने क्वालिफिकेशन, मेरा रिसेंट क्वालिफिकेशन क्या है, मैंने स्कूल कहां से किया, एंड ऑल व्हाट इज माय बैकग्राउंड, ये सारी चीजें आप एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में बना लो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा ना। उस स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट बनाना है तो आपका इंट्रोडक्शन हो सकता है कि आप एक मिनट तक रेडी करो, लेकिन मैं कहता हूं कि आपकी ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि आप एक मिनट से ज्यादा भी बोल सको, और ऐसी भी तैयारी होनी चाहिए कि ये एक मिनट को आप 30 सेकंड्स में कंप्लीट कर दो, क्योंकि जरूरी नहीं कि इंटरव्यूअर आपको यही क्वेश्चन पूछेगा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, लेकिन ऐसा भी पूछ सकता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन 30 सेकंड्स, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन 90 सेकंड्स। तो आपको रेडी रहना है कि आप कम बोलना चाहते हो, आपको कम बोलना है या फिर ज्यादा बोलना है, और कई बार आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि सामने वाला आपको सुनना चाहता है या नहीं, मतलब वो अगर जल्दी में तो आपको 30 सेकंड में खत्म कर देना है, और अगर वो इंटरेस्ट दिखा रहा है आप, तो आपको 2 मिनट तक भी लेके जाना है। और दूसरी एक बात, ये क्वेश्चन से आप इंटरव्यू लीड कर सकते हो, दैट मींस कि ये क्वेश्चन का अगर आप अच्छे से आंसर देते हो तो सब आपके हाथ में रहेगा कि आप इंटरव्यू को किस तरह से चलाते हैं ना। आपको मैं बता दूं कि इंटरव्यू या तो इंटरव्यू चलाता है या आप चलाते हो। अब आप पूछोगे मैं कैसे चला सकता हूं इंटरव्यू, सीधी बात है कि आपके जो आंसर्स होंगे उन पे से उसके क्वेश्चंस निकलेंगे, बेसिकली आप जो आंसर दोगे उस पे से ही उसका क्वेश्चन निकलेगा। अगर आप सिंपल वे में कहते हो कि इंजीनियरिंग इज इन माई ब्लड, तो आपको सीधा क्वेश्चन करेगा कि Why? How engineering is in your blood? तो आपके लिए, आपके पास उसका आंसर होना चाहिए ना। अगर आप पहले से ही तैयारी करके गए हो कि ये मैं बोलूंगा तो मुझे पक्का ये क्वेश्चन आएगा, और आप वो क्वेश्चन के लिए रेडी हो। सो अपने आंसर्स के अंदर ऐसी चीजें ही बताओ जिनके बारे में आप ज्यादा जानते हो। दैट मीन्स
अगर मैं कहूँ सिंपल वे में, जैसे कि मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, लाइक माय फादर इज इंजीनियर सपोज, तो मैं सीधा बोलूंगा इंजीनियरिंग इज इन माय ब्लड, लाइक टीचिंग इज इन माय ब्लड. तो सामने वाला मुझे एक क्यूरियोसिटी से पूछेगा कि व्हाई, हाउ इंजीनियरिंग इज इन योर ब्लड, तो मुझे रेडी रहना है आंसर के लिए कि यस बिकॉज माय फादर हैज डन इंजीनियरिंग. व्हाट एवर आपका जो बैकग्राउंड है, कि आप किस तरह से इसको रिलेट करते हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ मेन पॉइंट पे आते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. नाउ ऐसे इंटरव्यू में सबसे पहले ये क्वेश्चन में क्या नहीं करना चाहिए, आपने अपना रिज्यूम दिया हुआ है, उसमें बुलेट पॉइंट में आप क्या हो वो लिखा हुआ है, तो वो लाइन टू लाइन बोलना नहीं है और रिपीट नहीं करना है. वहां पे लिखा हुआ है और इंटरव्यूअर ने आपकी सारी डिटेल्स उसने देख ली है. नाउ आपको सिर्फ यही सारी चीजों को अच्छे से रिप्रेजेंट करना है और आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स यहाँ पे अच्छे होने चाहिए. और सबसे इंपॉर्टेंट, घबराना बिल्कुल नहीं है इंटरव्यू में, बिल्कुल नहीं घबराना है. स्टे काम एंड बी फोकस्ड. ऐसा मैं सिंपल एक चीज बताता हूँ. देखो दुनिया में एक ही एक ऐसी कंपनी नहीं बची है जो आपको जॉब दे रही है. बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आगे आपको मिलेगी और सीधा डोंट केयर कंडीशन से जाओ. ओके, आप परवाह करते हो, आपके लिए जॉब इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना भी फोकस या इतना भी मतलब घबरा मत जाओ कि आपको प्रॉब्लम आ जाए. सो ये सारी चीजें ज्यादा जरूरी है. आपको आराम से बी कूल एंड बी योरसेल्फ, खुद में ज्यादा रहो. ओके, ज्यादा वो मतलब टेंशन में मत आ जाओ, क्योंकि ज्यादा टेंशन में आने से क्या हो जाएगा कि आपके आंसर्स प्रॉपरली नहीं निकलेंगे और आपका ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वही आप पहले नहीं दे पाओगे और ये ज्यादा मैटर करता है. नाउ ये मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर किस तरह से देना है. सबसे पहले तो ये क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो, लाइक ये क्वेश्चन में सबसे पहले आपको अपना नाम बताना है. नाउ अगर आपको कह देते हैं, लाइक मुझे अगर कोई कह देता है कि सो अब्दुल टेल मी अबाउट योर सेल्फ, सो उसने नाम बोल दिया है, तो अब नाम बोल के कोई फायदा नहीं है, अब सीधा इंट्रोडक्शन से शुरू करो. लाइक अगर नाम नहीं बोलते और सीधा आपको क्वेश्चन आता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो वहां नाम से शुरू करना है. नाउ नाम में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है कि माई सेल्फ अब्दुल, मेरी बात कर रहा हूँ, मेरे बारे में आपको एग्जांपल दूंगा. अगर आप इस तरह से बोलते हो माई सेल्फ करके अपना नाम बताते हो, पूरी तरह से इरिटेटिंग और मिसलीडिंग हो जाता है. माई सेल्फ नहीं, सीधा अगर कैजुअली आई एम अब्दुल सत्तार, माई नेम इज अब्दुल सत्तार, सिंपल लगता है बोरिंग, लेकिन है नहीं, ये एक कैजुअल वे है कहने का. सो आप कैजुअल वे में सीधा बोल सकते हो कि माई नेम इज अब्दुल सत्तार एंड आई हैव डन माई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी विथ 84%, 90%, जो भी आपके परसेंटेज है, और परसेंटेज बुरे है तो मत बताना. ओके, छुपा सकते हो, वो लाइन ही निकाल दो परसेंटेज वाली. नाउ सीधा आगे बढ़ते हैं, तो आपको नेक्स्ट लोकेशन के बारे में बात करना है, आप कहाँ से हो. सो आई एम रेसिडेंट ऑफ सूरत, आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो. नेक्स्ट आपको आपकी पर्सनल स्टोरी नहीं बतानी है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं कि आपने बचपन में क्या किया था, आपके साथ क्या क्या हुआ था, वो सीधा ये जानना चाहता है कि आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो. तो शॉर्ट एंड स्वीट में ये बात को खत्म करो, रिपीट मत करो. सो ऐसे में बोरिंग मत रहो, इंटरेस्टिंग रहो और एंथुसियाज्म होना चाहिए आपके अंदर, थोड़ा जोश होना चाहिए कि आप किस तरह से बोल रहे हो. बोरिंग रह के बोलोगे तो उसको लगेगा कि इसको इंटरेस्ट नहीं है जॉब लेने में. सो थोड़ा जोश होना चाहिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद पे भरोसा होना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है. अपने स्किल्स बताओ, आपके अचीवमेंट्स बताओ, आपके अचीवमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है. लाइक अगर आप ऐसा कहते हो आई हैव डन सर्टिफिकेशन इन एंड्रॉइड डेवलपमेंट फ्रॉम दिस एंड सो इंस्टीट्यूट, तो आप बता सकते हो आपने इंजीनियरिंग के साथ क्या एक्स्ट्रा किया हुआ है, ये भी आप बता सकते हो. अगर आप एक्सपीरियंस हो तो अपना एक्सपीरियंस बताओ कि आप कौन सी फील्ड से हो. लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो, फ्रेशर हो, तो कुछ ऐसा बताओ जो आपके अंदर उसको इंटरेस्ट पैदा करे. ऐसा बताना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जो ये जॉब के लिए आए होंगे, तो आपको खुद का थोड़ा यूनिकनेस बताना होगा. यूनिकनेस डिपेंड्स आप किस तरह से बताते हो, आपकी कोई एक्सपर्टाइज है तो वो बताओ, और ऐसी बातें करो जो ये जॉब के रिलेटेड हो. आप अपनी लाइफ का कोई इंसिडेंट बताते हो, जैसे कि अगर आप लीडरशिप के लिए या फिर कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए जा रहे हो, तो आप बताओ कि आप किस तरह से अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो. आपने कॉलेज में आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट हैंडल किया हो या कुछ मैनेज किया हो, तो उसका इंसिडेंट बताओ, तो उसको लगेगा कि यस ही इज अ लीडर. ओके, और कोडिंग के लिए जाते हो तो बताओ कि आपने कौन से कोडिंग कंपटीशन में अटेम्प्ट किया था और आपका क्या रैंक आया था. कोई सब्जेक्ट के बारे में कुछ फोकस है तो बताओ ये सब्जेक्ट में मैंने टॉप किया था. सिंपल वे में कहूँ तो आपको जो आता है उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, सिंपल वे, और स्टार्टिंग ऐसी कैजुअली होनी चाहिए. सो अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल है. लाइक इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो, हाय गुड मॉर्निंग, माय नेम इज अब्दुल सत्तार, आई हैव डन माय कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एंड आई एम रेसिडेंट ऑफ सूरत. सो आई हैव डन माय 12th science from HMB Sardar High School and apart from this
I have done my certification in Android development from so and so this institute. Okay, now इसके अलावा अपनी hobbies share करो, आपको क्या क्या पसंद है और अगर आपका कोई special achievement है तो वो बताओ. I am a university topper with 10th rank, इस तरह से भी आप बता सकते हो. So simple way में बात ये है कि खुद को इस तरह से represent करना है. वो resume वाली चीज repeat मत करो, resume उसके पास है, वो बस यही जानना चाहता है कि आप किस तरह से खुद को represent कर रहे हो simple way में. So I hope आपको ये पूरा समझ में आ गया है. आप मुझे comment section में बताओ कि आपको ये video कैसा लगा, आप किस तरह की videos चाहते हो. मैं daily ऐसे videos अब से आपके लिए लेके आऊंगा interview के related. तो ये था आज का video. Next video में हम कुछ और बात करने वाले हैं. So आपने अभी तक Well Academy को subscribe नहीं किया तो subscribe कर लीजिए और bell icon को press कर दो ताकि regular notification मिलेंगे. और इस वीडियो को लाइक करो, लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मैं ज्यादा वीडियोस आपके लिए अपलोड करूंगा. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. गुड बाय एंड टेक केयर.